वेबजिफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और आज हम लोग सीखने वाले हैं फोटोशॉप के अंदर ग्रेडियंट्स। तो ग्रेडियंट की क्लास हम फिर से कवर कर लेते हैं पूरा डिटेल के अंदर। हमने कल सीखा था, हम जब एक बार कैनवास ले लेते हैं हमारी साइज के हिसाब से, उसके बाद में नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको होगा ग्रेडियंट का ऑप्शन। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ग्रेडियंट फील्ड वन के नाम से एक लेयर आ जाएगी, जिसमें फर्स्ट जो लेयर है वो है आपकी ग्रेडियंट की लेयर, जिसमें हमको अलग अलग तरीके की लेयर लेने हैं। अब यहाँ ग्रेडियंट आता है, पहले हमने इसको सीखा था ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक नहीं करके इसका जो बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो एक बड़ा पॉपअप खुल जाएगा, ठीक है। इस पॉपअप पे हम सीखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो बहुत सारे अलग अलग कलर्स आ रहे हैं, जिस पर आप क्लिक करते जाओगे कि ये भी अंदर एक लेयर्स बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर आप जहाँ जहाँ क्लिक करते जाओगे अलग अलग कलर्स खुलते जाएंगे, ठीक है। अब खुलते तो जा रहे हैं लेकिन ये फिक्स कलर्स है, हमें इनमें चेंजेस करने हैं, हमें ये यूज़ नहीं करने, ठीक है। ये एक सिर्फ सैंपल बने हुए हैं, इन सैंपल की जगह पे हमको अलग कलर्स यूज़ करने हैं। अब कलर्स यूज़ करने के लिए क्या करोगे, जैसे अगर ये वाइट एंड ब्लू यूज़ किया, ठीक है, अब हमको इसका कलर चेंज करना है तो नीचे आप देखोगे यहाँ पे ना दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तरफ आ रहा है ये वाइट नीचे बॉटम वाला, ऊपर वाले जो एरो आ रहे हैं इनको यूज़ नहीं करना है, बॉटम वाले को यूज़ करना है। अभी देखो यहाँ पे नीचे कलर का ऑप्शन है वो है ना हाइड आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक किया एक्टिव हो गया, यहाँ पे क्लिक करके एक सिंगल क्लिक करेंगे तो कलर पिकर आ जाएगा। कलर पिकर से हमको क्या करना है, इनके कलर्स को डिफरेंटली थोड़ा चेंज करना है ताकि डिफरेंट कलर बना सके हम। जैसे ब्लू में मैंने चेंज कर दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखो कलर चेंज हो गया इस साइड का। तो ये जो ब्लू कलर आ रहा है आपको लेफ्ट साइड में, ये बॉटम पे आ रहा है, और जो ये राइट पे आ रहा है वो आ रहा है टॉप पे, ठीक है। तो अब टॉप वाले को चेंज करना है तो इस साइड पे आप देखोगे यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करोगे नीचे उसका कलर आ जाएगा। जैसे इसको वापस इस कलर वाले बॉक्स पे क्लिक करोगे कलर पिकर खुल जाएगा, यहाँ से हम इसको कलर चेंज करेंगे जो भी हमको कलर डालना है। तो हम कलर कॉम्बिनेशन बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। ये कलर कॉम्बिनेशन कहाँ से बनाएंगे, हम गूगल पे देखेंगे, गूगल पे लिखेंगे हम ग्रेडियंट कलर्स, तो ग्रेडियंट कलर्स में बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे, तो हमको उसी तरीके से कलर्स यहाँ पे लेने हैं, उससे सिमिलर कलर्स, ठीक है, उससे आइडिया लेना है, और कलर यहाँ से हमारी चॉइस से डिफरेंट 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 कलर्स लेने हैं। जब ये ले लिया तो हमारी एक ग्रेडियंट डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गई, ग्रेडियंट प्रिंट है वो तैयार हो गई। तो हमको क्या करना है, यहाँ जो जो पॉपअप खुले, जो सबसे ऊपर पॉपअप खुला होगा उस पर क्लिक करोगे तभी होगा, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये क्लिक ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सबसे टॉप पे ये वाला खुला हुआ है। तो आप पहले इसको ओके करोगे, उसके बाद फिर इसे ओके करोगे, फिर लास्ट में इसको ओके। इसको ओके करने से पहले इसमें और भी चेंजेस करने, तो आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे हमने कल सीखा था एंगल्स, तो अलग अलग एंगल्स पे आ रहे हैं, तो आप एंगल्स चेंज करोगे, ठीक है, स्टाइल चेंज कर सकते हो अलग अलग डिफरेंट तरीके की, तो स्टाइल चेंज होगी। स्टाइल चेंज होने के बाद भी वापस एंगल्स चेंज करके देखो कि सारी जो भी ग्रेडियंट होती है वो डिफरेंट तरीके की होनी चाहिए, एक जैसी ग्रेडियंट कॉपी नहीं होनी चाहिए। ये बनाती इसी में कलर चेंज करती है, सब में किसी में एंगल चेंज होगा, किसी में स्टाइल चेंज होगी, किसी के अंदर कलर स्टाइल चेंज होगी, ठीक है, किसी के अंदर स्केल है तो स्केल कम ज़्यादा होगी, किसी में बहुत ज़्यादा करती, किसी में बहुत कम करती, ठीक है। तो हर एक जो ग्रेडियंट की फाइल होगी वो बहुत डिफरेंट होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ कलर चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इसके अंदर अभी ये बेसिक ले लेते हैं लिनर, ठीक है, और इसकी स्केल जो है हम इसको थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद यहाँ से भी आप देखो इसको ना ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, इस तरफ किसका आया तो वो पूरा ब्लू आ गया, यहाँ से आप कर्सर को पीछे ले जाओगे तो ये चेंजेस होते जाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी चॉइस से करने अपने को अलग अलग स्टाइल से, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने इसको कर दिया तो ये देखो ये कॉर्नर पर भी चला जाएगा, जहाँ पे आप चाहते हो इसके जो भी स्टाइल से उसको है ना एंगल चेंज कर सकते हो। जैसे ये एंगल है देखो यहाँ से आ रहा है, तो मैं इस एंगल को यहाँ से लेके इधर ले जाऊँगा, नीचे ले जाऊँगा, तो ये एंगल्स भी अपनी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे जब हम स्क्रीन पे ला के चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको वापस और चेंजेस किए, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन में क्या आएगा, रिफ्लेक्टेड यहाँ जो कलर है वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप चेंजेस करना चाहते हो चेंजेस कर सकते हो, स्केल इसकी कम कर दोगे तो ये और पतला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको चेंजेस करके ला सकते हो, तो इस तरीके से आप इसको चेंजेस करोगे अलग अलग ग्रेडियंट बनाने के लिए अलग अलग तरीके से, ठीक है। जैसे हमने ये वाला किया, इसको ओके कर दिया, तो हमारी फर्स्ट ग्रेडियंट की जो प्रिंट है वो रेडी है। हमें क्या करना है, फाइल पे जाना है, सेम प्रोसेस जो हमने सीखा है, सेव एज पे जाना है, और कभी भी प्रिंट फाइल हम सेव करते हैं तो अपना जो भी फोल्डर क्रिएट किया है उस पर जाके पीएनजी पे जाओगे, पीएनजी फॉर्मेट चेंज हो जाएगा,
इस ग्रेडियंट का नाम दे दिया हमने ग्रेडियंट वन। तो ग्रेडियंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे कंटिन्यू बनाते जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। प्रोजेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की अलग अलग डिजाइन बनाना सीख रहे हैं, सॉलिड कलर्स, ग्रेडियंट कलर्स और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कलर्स। ठीक है, इस तरीके से बनाया और इसको आप कर दोगे सेव। ठीक है, सेव करने के बाद में हमेशा जो भी हमारा ऑप्शन आएगा इसके अंदर फाइल साइज के लिए, वो पीएनजी फॉर्मेट ऑप्शन वही रखता है और ओके करना है। ओके करने पे नीचे इसका सर्च चलेगा, सेविंग चलेगा और ये सेव हो जाएगा। ये सेव होने के बाद फर्स्ट पेज सेव होगी, उस जाके रीचेक करना है हमें उसी फोल्डर के अंदर कि प्रॉपरली वो पीएनजी में सेव हुई है नहीं हुई है। जब वो सेव हो गई उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस है, वही प्रोसेस को हमको बार बार दोहराना है और चेंजेस करके डिफरेंट ग्रेडियंट बनाना है। फिर से हमें इसी बॉक्स पे क्लिक करना है, ये पीछे वाला जो बॉक्स है इस पे क्लिक करोगे आप तो ये मास्क का बॉक्स है, इस पे हमको क्लिक नहीं करना है, लिखा हुआ है लेयर मास्क थंबनेल। ठीक है, इस पे क्लिक नहीं करना है, हमेशा क्लिक करना है जहाँ पे आगे कलर्स आ रहे हैं फर्स्ट वाले पे। इस पे जब डबल क्लिक किया फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप देखो मल्टी कलर्स आ रहे हैं, आप देखो चेंजेस कितना हो रहा है। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो इस पे दो कलर है, तो नीचे देखो आप दो पिन पॉइंट आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेफ्ट पे राइट पे दो पिन पॉइंट है। लेकिन जब आप मल्टी कलर्स पे करोगे तो कितने पॉइंट्स आ गए इसमें, जितने कलर्स हैं उतने पॉइंट्स आएंगे। तो हमें मिक्स कलर्स भी बनाने हैं, मिक्स कलर्स के अंदर रेड है तो इसकी जगह पे हम दूसरा कोई कलर हमारी चॉइस से चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो हर एक पिकर के ऊपर आप क्लिक करोगे और कलर पिक करोगे डिफरेंट तरीके के, सब पे आपको कलर चेंज करते हुए जाना है। ठीक है, क्विकली काम करना है, चेंजेस कर करके जो भी कलर है उनके किसी कभी डार्क ले लिया कभी लाइट ले लिया, इस तरीके से आप इसके रेनबो कलर्स चेंज करोगे। नेवी ब्लू है, यहाँ पे हमने लाइट ले लिया, कॉर्नर पे रेड आ रहा है तो रेड की जगह पे हमने मैरून ले लिया। ठीक है, हमने कलर चेंज कर लिए, कलर चेंज करके जब ओके किया है तो अभी हमें इसको क्या करना है, थोड़ा स्प्रेड करना है ताकि कलर्स प्रॉपर दिखे। तो स्प्रेड करने के लिए क्या है, स्केल है, स्केल को आप जितना बड़ा करोगे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप होते रहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनकी स्केल्स को बढ़ाना है हमारी चॉइसेस के हिसाब से। अब इसके एंगल्स को चेंज करना है, एंगल्स आप जैसे चेंज करेंगे चेंज होता जाएगा, तो आपको एंगल्स चेंज करने, स्टाइल चेंज करनी है। अब देखो स्टाइल चेंज किया यहाँ पे तो ये स्टाइल कैसे है, तो हमको हमारी चॉइसेस भी डालनी है अलग अलग। जैसे ऊपर में प्लेन बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ और बॉटम के अंदर ये देना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ पे प्रिंट होता है तो ऊपर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, पूरी रेनबो लाइन्स हो जाएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की है, ये प्रिंट जो हम बना रहे हैं ये टेक्सटाइल कंपनीज की प्रिंट्स होती है, जो अलग अलग कंपनी जो है वो प्रिंट करती है कपड़ों के ऊपर या किसी प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे मग प्रिंट होते हैं हमारे गिफ्ट आइटम के अंदर अलग अलग चीज़ों पे। तो ये चीज़ें जो है इनको हमें चेंजेस करके देख रहे हैं, हर एक डिज़ाइन जो है देखो यहाँ पे मैंने एंगल किया तो क्या हो गया, है ना, एंगल को आप थोड़ा नीचे ले सकते हो किसी के अंदर, किसी के अंदर ऊपर ले सकते हो, तो आपकी चॉइसेस से इनके चेंजेस कर सकते हो, इसके एंगल्स को चेंज कर सकते हो। तो हर एक जो प्रिंट होगी उसमें कलर अलग अलग होंगे, एंगल्स अलग अलग होंगे, स्केल अलग अलग होगी, सारी एक एक जो ग्रेडियंट है वो डिफरेंट तरीके की डिफरेंट डिजाइंस बननी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ हम सीख रहे हैं, सेकंड बन गई, इसको आप सेवेस कर लोगे। ठीक है, और सेवेस ही करना है और एक साथ सेवेस करना है तो इस फाइल को फर्स्ट में सबसे पहले हमको पीएसडी फाइल में सेव करके रखना है। सेव करके रखने के बाद में इसी को कंट्रोल जे करेंगे हम तो क्या होगा, डुप्लीकेट होगी। अब इसी के अंदर हमको डिफरेंट स्टाइल की बनानी है तो हम इसी के कलर्स और डिफरेंट स्टाइल ले लेंगे। ये क्या कर दिया, रिफ्लेक्टर कर दिया, रिफ्लेक्टर करने के बाद में हमने क्या किया, इसका जो स्केल है वो थोड़ा और बढ़ा दिया, बढ़ा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको सेटअप कर दिया। सेटअप करने के बाद यहाँ पे गए और यहाँ से हमने क्या किया, अब सारे कलर जो है वाइब्रेंट कलर चेंज कर लेते हैं इनको, ये सारे जो कलर है हम वाइब्रेंट कलर लेंगे, बिल्कुल ब्राइट शेड्स। तो हम इससे कलर चेंज करते जाएंगे तो हमारी सेकेंड डिजाइन जो है वो क्विकली यहीं से बन जाएगी। पर्पल है तो मैंने यहाँ पे वापस ग्रीन ले लिया, तो आप कलर चेंजेस करते जाना है आपको हर एक प्रिंट के अंदर, हर एक डिज़ाइन के अंदर। ग्रीन ज़्यादा ज़्यादा हो गया है तो हम लोग दूसरे कलर्स ले लेंगे, इसमें ऑरेंज ले लिया, यहाँ पे ग्रीन जो आ रहा है इसके अंदर हमने थोड़ा मजेंटा कलर ले लिया, ये लेके ओके कर दिया। तो एक और क्या हुआ है, कुछ ही सेकेंड के अंदर सेकेंड बन गई। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या बनाई थी, ये फर्स्ट हमने एक बना के सेव कर ली, ये सेकेंड बनी और ये थर्ड बना दी। तो आप इसकी डुप्लीकेट लेयर करके बनाते जा सकते हो कि आठ दस बना ली फिर एक साथ सेव करेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसी प्रोसेस कौन सा फॉलो करेंगे, हम करेंगे एक ही के ऊपर काम करेंगे ताकि वो सेव होती रहे,
किसी कारण से कभी लैपटॉप शटडाउन हो जाता है, हैंग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सारा आपका का काम किया हुआ, मेहनत की हुई सारी चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, कभी भी ग्रेडियंट कलर बनाते हैं तो एक एक चीज़ को हमको बनाती जानी है और सेव करते जाना है, ठीक है। तो आज की क्लासेस में हमने क्या सीखा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ग्रेडियंट कलर कैसे बनाते हैं। एक दो कलर और मैं बता देता हूँ। ग्रेडियंट का डबल क्लिक करके खोलोगे, इस पर सिंगल क्लिक करोगे, यहाँ पे अलग अलग एंगल्स भी आएंगे, देखो ये आ रही है। अब इसके अंदर क्या है, पूरा एक सर्कल बना हुआ आ गया, इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे गए, यहाँ जाके हमने इसके कलर चेंज कर दिए, ये कलर चेंज किया, यहाँ आके हमने चेंज करके कलर ले लिया इसका ऑरेंज, ओके कर दिया। तो ये क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। कलर चेंज करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर पीछे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रहा है, तो ये जो जितने भी ट्रायंगल बने हुए आ रहे हैं इसका काम हमने किया है, लेकिन बैकग्राउंड कहाँ से ले रहा है, ये पीछे जो वाइट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड लेने के लिए हमने सॉलिड कलर सीखा था, यहाँ से सॉलिड कलर पे जाएंगे, सॉलिड कलर पे जाके हम इसके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो हम जो भी कलर का बैकग्राउंड रखना चाहते हैं वो बैकग्राउंड को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको अगर ऑफ करेंगे तो हमने ग्रेडियंट क्या लिया है, ग्रेडियंट हमने लिया है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो इनके कलर चेंज कहाँ से होंगे, यहाँ पे क्लिक करके ग्रेडियंट में जाके यहाँ से चेंज होंगे, लेकिन बैकग्राउंड का कलर इसमें कहाँ से चेंज हुआ, नीचे एक सॉलिड कलर की लेयर लेंगे हम लोग, इसको मैं ऑफ करता हूँ ग्रेडियंट, तो ये सॉलिड कलर लिया हुआ है, तो यहाँ से इसके सॉलिड कलर चेंज होंगे, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ ली है, दो डिफरेंट चीज़ ली है इसके अंदर, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का ग्रेडियंट लिया है और पीछे बैकग्राउंड में हमने एक सॉलिड कलर डाला है, तो ये दो चीज़ों को मिला के हमने एक ग्रेडियंट कलर बनाया है। तो ये एक डिफरेंट तरीका है जिससे हम अलग अलग तरीके ग्रेडियंट बना सकते हैं। इसी पर डबल क्लिक किया, एंगल्स चेंज करने, तो आप इसमें एंगल चेंज कर सकते हो, ये स्ट्राइप में हो जाएगा, फिर रेडियल में करोगे तो देखो रेडियल में हो गया है, ठीक है। अब कोई ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है आपको तो इस पर कलर चेंज कर दोगे, इसको क्या करोगे, सबके कलर ब्लैक कर दोगे, इसका ब्लैक कर दिया, यहाँ जाके इसको ब्लैक कर दिया, ओके करके ओके ओके। तो ग्रेडियंट जो था हमने वो सॉलिड ब्लैक ले लिया, बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पे आके वाइट कर दिया, तो ये क्या बन गया, ब्लैक एंड व्हाइट बन गया। ऐसे ही हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके करने हैं, जैसे ये वाला एक सेव कर दिया, सेकंड सेव करना है आपको तो उसका क्या करोगे, इसका स्केल बढ़ा दोगे, तो ये क्या हो गया, एक बड़े स्केल पे हो गया, किसी को छोटा कर दिया तो ये छोटे में हो गया। इसी के एंगल्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग जगह डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रेडियंट अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है उनमें हम कलर चेंज कर करके हम ग्रेडियंट्स बनाएंगे, ठीक है। इसको चेंज किया, फिर से हमने यहाँ पे रिफ्लेक्टर कर दिया तो रिफ्लेक्टर में ही आ गया। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ग्रेडियंट हमको बनाते जाना है और उसको सेव करते जाना है। तो हम लोग जो इसमें सीख रहे हैं क्लासेस के अंदर लर्निंग के साथ अर्निंग, तो इसीलिए हमें लर्निंग कर रहे हैं कि डिजाइनिंग कैसे करेंगे, लेकिन डिजाइनिंग करके जो आपको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं उससे अर्निंग करने के लिए आपको प्रोसेस क्या फॉलो करना है, ये आज के हमने क्लासेस में सीखा है, ठीक है। थैंक यू।